हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा बैंक पीओ मेंस के कुछ रियल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस पूछे गए थे एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में 4 जून 2017 को, और ये रियल क्वेश्चंस हैं, एसबीआई पीओ मेंस के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, देखिए ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं बैंक पीओ मेंस एग्जाम्स में। यदि आप रेशो निकालें तो करीब 60 से 70% क्वेश्चंस आप मान सकते हैं कि पैराग्राफ बेस्ड होंगे या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे। और ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आपको दिए जा सकते हैं, फिलर्स के फॉर्म में दिए जा सकते हैं, या इन्फ्रेंस बेस्ड दिए जा सकते हैं, जिसमें आपको पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन यानी निष्कर्ष निकालना होता है, या 4 या 5 अलग अलग पैराग्राफ्स आपको दिए जा सकते हैं। नॉर्मली टेक्निकल टॉपिक्स पर ही होते हैं ये, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड या रेपो रेट से रिलेटेड, इस तरह के पैराग्राफ्स ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल का मतलब ये है कि आप फास्ट रीडिंग करें और जल्दी से उसकी जो समरी है उसको आप समझ जाएं, तभी आप उसके बेस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन पांचों को हम डिटेल में समझेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपके लिए ग्रिप बने इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो ये पैराग्राफ 1 है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं पैराग्राफ 2 है, ये पैराग्राफ 3 है, ये पैराग्राफ 4 है, ये पैराग्राफ 5 है। तो पैराग्राफ का जो साइज है वो ना तो ज़्यादा कम है ना ही बहुत ज़्यादा, यानी मॉडरेट एक लेवल है। तो इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, उसमें वो कुछ भी पूछ सकते हैं। नॉर्मली समरी उसकी पूछी जाती है, जैसे ये यहां पर आप पूछ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये पैराग्राफ 1 के बेस पर है, पैराग्राफ 1 को आपको पढ़ना है, उसके बाद इसको आंसर आपको करना है। ठीक है, तो इसको मैं पढ़ता हूं। देखिए, एट ए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस फॉर्म वी वर्क विथ अ लॉन्ग टाइम कस्टमर एक्सीडेंटली सबमिटेड द सेम एप्लीकेशन फाइल टू टू ऑफिसर्स, टू ऑफिसेज है एक्चुअली ये, या ठीक है ये टू ऑफिसेज है। दो द एम्प्लॉइज हु रिव्यूड द फाइल वर सपोज टू फॉलो द सेम गाइडलाइंस एंड दस अराइव एट सिमिलर आउटकम्स, द सेपरेट ऑफिसर्स रिटर्न वेरी डिफरेंट कोट्स। टेकन अबैक द कस्टमर गेव द बिजनेस टू अ कंपटीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, एम्प्लॉइज इन द सेम रोल शुड हैव बीन इंटरचेंजेबल बट इन दिस केस दे वर नॉट, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। देखिए, चूंकि ये वीडियो क्लास है तो मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे तरीके से मैं एक एक लाइन का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में आपको तेजी से पढ़ना है और तेजी से उसका निष्कर्ष निकालना है। देखिए, इस पूरे पैराग्राफ का यदि आप निष्कर्ष निकालें, तो इसका निष्कर्ष ये है कि सपोज ये कंपनी है और उसके 4 ऑफिसेस हैं, उसमें 4 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उन 4 ऑफिसर्स को एक ही सिचुएशन में एक ही तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी में काम कर रहे हैं। यानी एक सिचुएशन को या एक प्रॉब्लम को सेम तरीके से उनको डील करना चाहिए, लेकिन सेम तरीके से वो डील क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो ह्यूमन हैं और उनके जो डिसीजंस हैं वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे कभी उनका मूड नहीं है, या कभी उनका मूड किसी और चीज़ में है, या कभी वो हेल्दी नहीं है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वही इसमें बोला गया है। देखिए, फिर से पढ़ते हैं, मैं फिर से आपको बताता हूँ। एट ए ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म वी वर्क विद अ लॉन्ग टर्म कस्टमर एक्सीडेंटली सबमिटेड द सेम एप्लीकेशन फाइल टू टू ऑफिसेज। एक कंपनी की इसमें बात हो रही है, और वहां पर एक एक लॉन्ग टाइम कस्टमर था, उनका कोई पुराना कस्टमर था, उसने एक्सीडेंटली यानी गलती से एक ही एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया 2 ऑफिसर्स के पास, या 2 ऑफिसेस में उसने सबमिट कर दिया। तो 2 ऑफिसेस के थ्रू वहां पर जो फीडबैक आएगा उन एप्लीकेशंस पर जो उसने गलती से वहां पर जमा कर दी है, तो अलग अलग आएगा या सेम आएगा? सेम आना चाहिए, क्योंकि सेम कंपनी के सेम ऑफिसर्स वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, दो द एम्प्लॉइज हु रिव्यूड द फाइल वर सपोज टू फॉलो द सेम गाइडलाइंस। क्योंकि एक ही कंपनी में बात कर वो काम कर रहे हैं, तो उनको एक ही गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक ही गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, उन्होंने अलग अलग गाइडलाइंस को फॉलो किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो 2 अलग अलग व्यक्ति थे, लेकिन इससे इससे जो आउटकम आया, इससे जो रिजल्ट आया वो अलग अलग आया। एंड दस अराइव एट सिमिलर आउटकम्स, द सेपरेट ऑफिसर्स रिटर्न वेरी डिफरेंट कोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका देखिए सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं आपको समझाऊं कि एक कंपनी में आप जाते हैं और किसी किसी उसके किसी प्रोडक्ट का प्राइस आप पूछते हैं,
दो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं या तीन कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं, तो आप तीनों से प्राइस पूछते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, तो एक बताता है 100 रुपये, एक बताता है 90 रुपये, एक बताता है 121 रुपये, तो क्या आपका ट्रस्ट जमेगा उस कंपनी के ऊपर? आप तो दूसरे कंपटीटर के पास चले जाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या है, इसमें तो कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है यहाँ पर, तो मतलब एम्प्लॉयज़ ही अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं, एक ही कंपनी के एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो टेकन अबैक का मतलब यही है कि जब वो कस्टमर को जब अलग अलग कोट्स मिले एक ही कंपनी से, तो वो टेकन अबैक रह गया, वो आश्चर्यचकित रह गया। द कस्टमर गेव द बिजनेस टू अ कंपटीटर, और उस कस्टमर ने जो बिजनेस दे दिया वो अपने कंपटीटर को, उस कंपनी के कंपटीटर को दे दिया, और कंपनी का नुकसान हो गया, ये इसमें बात हो रही है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, एम्प्लॉयज इन द सेम रोल शुड हैव बीन इंटरचेंजेबल। मतलब यदि एक बैंक में दो एम्प्लॉय हैं या एक बैंक में दो क्लर्क हैं, तो वे इंटरचेंजेबल होने चाहिए। राम की जगह आप श्याम को रखें या श्याम की जगह राम को रखें, एक जैसा ही काम या एक जैसा ही रिजल्ट निकल के आना चाहिए, क्योंकि कंपनी में तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। एम्प्लॉयज इन द सेम रोल शुड हैव बीन इंटरचेंजेबल, उनको इंटरचेंजेबल होना चाहिए था, बट इन दिस केस दे वर नॉट, लेकिन वो इंटरचेंजेबल नहीं थे, वो अलग अलग आउटकम दे रहे थे एक ही सिचुएशन का, एक ही प्रॉब्लम का। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा हुआ है और बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा। अब आप आगे जाएंगे और आगे यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर वन जो बेस्ड है वो पैराग्राफ वन पर बेस्ड है, ठीक है। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द फ्रेज अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम एज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। दिस इज ए कॉमन प्रॉब्लम, इसकी एक समरी हमने निकाली, ठीक है। ये कॉमन प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम की बात कर रही है, कर रहे हैं हम इसमें, कि एक ही सिचुएशन में एक ही कंपनी के दो ऑफिसर्स अलग अलग आउटकम्स देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट ये होगा कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उनको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाना चाहिए, उनको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को अपनाना चाहिए, ये इसका अपोजिट होगा। इस कंपनी में ये नहीं था, यानी इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा कि कंपनी में एम्प्लॉयज को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाने चाहिए। एम्प्लॉयज ऑफन कंस्टिट्यूट इवन दो एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू कम आउट फेयर, ए मेजर प्रॉब्लम इज, इसमें देखते हैं, एम्प्लॉयज हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफन अलाउ देम टू टेक रैशनल एंड कन्वेंशनल डिसीजंस। देखिए, यदि यदि एक एम्प्लॉय, यदि सपोज एक डिपार्टमेंट है और उसमें सारे एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली डिसीजन देते हैं एक ही सिचुएशन पे, तो वो अच्छा होगा कंपनी के लिए, क्योंकि उसमें जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसमें एक फॉलो होगा, चाहे वहां पर कोई भी व्यक्ति बैठा हो उस रोल में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 लोग बैठे हैं और 10 लोग एक ही काम का अलग अलग रिजल्ट बता रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा कंपनी के लिए, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा कि एम्प्लॉयज हैव टू फॉलो द स्ट्रिक्ट नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफन अलाउ देम टू टेक रैशनल एंड कन्वेंशनल डिसीजन, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका आंसर होगा फोर्थ, ये इसका उल्टा है। ये अभी हमने जो केस स्टडी स्टडी की, इसमें हमने क्या बताया कि एम्प्लॉयज एक ही कंपनी में एक ही एम्प्लॉयज है, लेकिन वो एक ही सिचुएशन में अलग अलग डिसीजंस दे रहे हैं, अलग अलग आउटकम्स दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो हार्ड एंड फास्ट रूल्स एंड प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो डिसीजन निकल के आ रहा है वो रैशनल नहीं है, वो लॉजिकल नहीं है, वो फेयर नहीं है, वो सही नहीं है, वो गलत डिसीजन निकल के आ रहा है, और उसकी वजह से उस कंपनी का जो बिजनेस है वो दूसरे कंपटीटर के पास जा रहा है, क्योंकि क्योंकि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो वहां से उठ जाता है इस सिचुएशन में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सभी तरीके के क्वेश्चंस, बैंक पीओ मेंस के सभी तरीके के क्वेश्चंस इस कोर्स में आपको बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, और डेफिनेटली इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब ये है पैराग्राफ 2 के क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये पैराग्राफ 2 के बेस पर है, यानी इसके लिए आपको पैराग्राफ 2 को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पैराग्राफ 2 को हम पढ़ लेते हैं। प्रोफेशनल्स इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर असाइंड आर्बिट्रेरली टू केसेस, इसमें भी ऑलमोस्ट वही बात हो रही है। अप्रेजर्स इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, फिजिशियंस इन इमरजेंसी रूम्स, अंडर अंडर राइटर्स ऑफ लोन्स इन इंश्योरेंस एंड अदर्स, ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेक्ट कंसिस्टेंसी फ्रॉम दीज प्रोफेशनल्स, आइडेंटिकल केसेस शुड बी ट्रीटेड सिमिलरली, इफ नॉट आइडेंटिकली द प्रॉब्लम इज दैट ह्यूमंस आर अनरिलायबल डिसीजन मेकर्स, देयर जजमेंट आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाई इररिलीवेंट फैक्टर्स सच एज देयर करेंट मूड,
द टाइम सिंस द लास्ट मील, ये समझ में आ रहा है आपको इसमें क्या बोल रहे हैं? इसमें ये बोल रहे हैं कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक ही सिचुएशन में अलग अलग प्रोफेशनल्स का एक ही रिजल्ट आना चाहिए, जबकि रिजल्ट अलग अलग आता है। रिजल्ट अलग अलग क्यों आता है? क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग है, जो जजमेंट मेकिंग है, वो ह्यूमन नेचर पर बेस्ड है, और ह्यूमन नेचर चेंज होता रहता है। कभी उसका मूड नहीं है, कभी वो खाना खा के नहीं आया, कभी वेदर कंडीशन ख़राब हैं, तो इसकी वजह से एक चांस वेरिएबिलिटी बन जाती है। वी कॉल द चांस वेरिएबिलिटी ऑफ जजमेंट नॉइस। यहाँ पर चांस वेरिएबिलिटी को नॉइस बोला गया है। नॉइस का मतलब ये है कि सपोज 10 एम्प्लॉई हैं, 10 एम्प्लॉई का सेम डिसीजन एक ही सिचुएशन में आना चाहिए, लेकिन उनका डिसीजन अलग अलग आता है। सपोज 2 एम्प्लॉई हैं, ठीक है, और आप लोन के अप्रूवल के लिए गए 2 एम्प्लॉइज के पास बैंक में, ठीक है, और सिचुएशन आपकी एक ही है, तो हो सकता है एक मैनेजर आपको अप्रूव कर दे और दूसरा मैनेजर आपको डिसअप्रूव कर दे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का मूड जो है, जो ह्यूमन नेचर है, वो अलग अलग हो सकता है, इसलिए दोनों ने डिसीजंस जो दिए वो अलग अलग दिए, जबकि डिसीजंस तो एक ही होना चाहिए क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चांस वेरिएबिलिटी की इसमें बात हो रही है, और चांस वेरिएबिलिटी को इसमें नॉइज बोला गया है। ऑथर ने इसमें चांस वेरिएबिलिटी जो है वो उसको क्या बोला है? नॉइज बोला है। इट इज़ एन इनविजिबल टैक्स ऑन द बॉटम लाइन ऑफ मेनी कंपनी। ये सही है कि टैक्स तो होगा ही, ये लाइबिलिटी बन जाएगी एक कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर, यदि वहाँ पर जो सेम स्टैंडर्ड प्रोसीजर वहाँ पर जो फॉलो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, और अलग अलग एम्प्लॉयज़ अलग अलग तरीके से वहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, तो ये इसमें बोला गया है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। व्हाट डज द ऑथर मीन बाय द टर्म नॉइज एज यूज्ड इन द पैराग्राफ 2। नॉइज का मतलब है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वर्क एफिशिएंसी डिसाइड द पोटेंशियल ऑफ एन एम्प्लॉय फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद देयर डिसीजन मेकिंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे लैंड अप इन वेरिएबल आउटकम्स टू देयर मोटिव विच इज टर्म्ड एज नॉइज। ये बिल्कुल सही है, ये जो पार्ट है ये बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ते हैं। नॉइज इज ए प्रॉब्लम विच इज इफेक्टिवली इनविजिबल इन द बिजनेस वर्ल्ड। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट ऑडियंसेस गेट क्वाइट सरप्राइज्ड व्हेन द रिलायबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट इज मेंशन इन एन इशू। इसमें क्या बात बोली गई है? इसमें ये बोला गया है कि प्रोफेशनल जजमेंट की जो रिलायबिलिटी है उसको एक इशू की तरह जब हम मानते हैं तो इससे ऑडियंस सरप्राइज हो जाती है। इसमें थोड़ा सा हट के एक बात को कहा गया है। नॉइज इज ए प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द डिसीजन मेकिंग। इसमें नॉइज को डिसीजन मेकिंग से कनेक्ट किया गया है जो कि सही है। इसमें भी नॉइज को डिसीजन मेकिंग से कनेक्ट किया गया है जो कि सही है। इसमें थोड़ा सा अलग हट के कुछ बात बोली गई है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड इसमें आपके सही हैं, तो आपका आंसर होगा फोर्थ, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम पैराग्राफ 3 पढ़ते हैं। सम जॉब्स आर नॉइज़ फ्री। कुछ जॉब्स होते हैं वो नॉइज़ फ्री होते हैं। नॉइज़ फ्री का मतलब क्या है कि वहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही फॉलो हो सकता है। जैसे क्लर्क का काम है, आप एक बैंक में जाते हैं, अकाउंट खुलवाने जाते हैं एक बैंक में, तो चाहे वहाँ पर अलग अलग तरीके के कितने भी क्लर्क बैठे हों, आपका जो प्रोसीजर होगा वो तो एक ही तरीके से फॉलो होगा। वहाँ पर क्योंकि डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर प्रोसीजर इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पर प्रोसीजर है इसलिए यहाँ पर ये नॉइज़ फ्री होगा। लेकिन जहाँ पर डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होगी वहाँ पर वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, और वहाँ पर फिर नॉइज़ वाला जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। सम जॉब्स आर नॉइज़ फ्री, ये बिल्कुल सही है कि कुछ जॉब्स नॉइज़ फ्री होते हैं। जैसे क्लर्क है, क्लर्क एट ए बैंक और ए पोस्ट ऑफिस परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क बट दे मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स दैट लिमिट सब्जेक्टिव जजमेंट एंड गारंटी। ये सही है, वहाँ पर सब्जेक्टिव जजमेंट की कोई बात नहीं है। एक क्लर्क है, उसके पास आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं, तो यदि आप कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो वह आपका अकाउंट खोल देगा। वहाँ पर वो ये नहीं बोलेगा कि आपका अकाउंट नहीं खुल सकता, या आज मैं अकाउंट आपका नहीं खुल सकता, ठीक है, आज मेरा मूड सही नहीं है, ये चीज़ें वहाँ पर वो नहीं बोल सकता, ठीक है। बाय डिजाइन दैट आइडेंटिकल केसेस विल बी ट्रीटेड आइडेंटिकली। इन कॉन्ट्रास्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स लोन ऑफिसर्स, देखिए यहाँ पर जजमेंट की ज़रूरत होती है। मेडिकल प्रोफेशनल जो हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, एक ही केस के लिए अलग अलग दवाइयाँ लिखते हैं। लोन ऑफिसर्स हैं, जो रिजल्ट्स जो उनके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, जजेस हैं,
जैसे जजेज दो जज जो हैं एक ही सिचुएशन में अलग अलग डिसीजन वो दे सकते हैं, तो यहाँ पर एक नॉइज क्रिएट हो सकता है। एन एग्जीक्यूटिव ऑल मेक जजमेंट कॉल्स विच आर गाइडेड बाय इनफॉर्मल एक्सपीरियंस एंड जनरल प्रिंसिपल्स रादर देन बाय रिजिड रूल्स। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो रिजिड रूल्स में नहीं बंधे होते। जैसे एक डॉक्टर आपको दवाई लिख रहा है तो वो क्या दवाई लिखेगा इसके लिए कोई रूल थोड़ी है, ठीक है, उसको वो तो एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन वहाँ पर लिख के देगा। सारे डॉक्टर्स अलग अलग दवाइयाँ लिख सकते हैं, वहाँ पर कोई ऑफिशियल हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। एंड इफ दे डू नॉट रीच प्रिसाइसली द सेम आंसर दैट एवरी अदर पर्सन इन देयर रोल वुड, दैट इज एक्सेप्टेबल। यदि उनके डिसीजन में वेरिएबिलिटी आती है, चेंज आता है, तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है। अ फर्म हुज एम्प्लॉइज एक्सरसाइज जजमेंट डज नॉट एक्सपेक्ट डिसीजन टू बी एंटायरली फ्री ऑफ नॉइज, बट ऑफन नॉइज इज फार अबव द लेवल दैट एग्जीक्यूटिव वुड कंसिडर टॉलरेबल। ये बात सही है कि नॉर्मली थोड़ा बहुत डिफरेंस जो होता है फाइनल डिसीजन मेकिंग में या फाइनल आउटकम में, उसको 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 टॉलरेट किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसीजन में अंतर नहीं होना चाहिए डिसीजन मेकिंग, ये यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है। एंड दे आर कंप्लीटली अवेयर अनअवेयर ऑफ इट। थ्री को हम देखते हैं, थ्री में क्या बोला गया है, थ्री तो थ्री देखते हैं। वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज डिसी वाई अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज डिसीजन कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ जजमेंट एज मैंशन इन पैराग्राफ थ्री। डिसीजन को जजमेंट का मैटर क्यों माना है ऑथर ने? जजमेंट का मैटर ही है ये, ठीक है, तो ऑथर ने इसको जजमेंट का मैटर क्यों माना है? यहाँ पर हम देखते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेज डिसीजन आर गाइडेड बाई इनफॉर्मल एक्सपीरियंस एंड जनरल प्रिंसिपल्स रादर देन बाई रिजिड रूल्स। ये सही है, बिल्कुल सही है। इन सर्टेन केसेज मेडिकल प्रोफेशनल्स जजेज एंड एग्जीक्यूटिव्स हैव टू टेक डिसीजन विच आर बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट रूल्स दैट कंट्रोल देयर इंस्टिंक्टिव जजमेंट विच माइट नॉट बी नॉइज फ्री येट एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल इन द सिस्टम। ठीक है, ये सही है, ये भी सही है। लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑन ए जॉब ऑलवेज इंक्रीजेस पीपल्स, नहीं ये नहीं है। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये क्वेश्चन, क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें भी आपका आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड मतलब फोर्थ। ठीक है, आप इस वीडियो को कई बार देखिए, दो तीन बार देखिए, आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसका PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो ये रियल क्वेश्चन हैं और आप देख सकते हैं कि इनको करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर फोर पैराग्राफ फोर को देखते हैं। द प्रीवेलेंस ऑफ नॉइज हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड इन सेवरल स्टडीज, अकेडमिक रिसर्च हैव रिपीटेडली कन्फर्म दैट प्रोफेशनल्स ऑफन कॉन्ट्राडिक्ट देयर ओन प्रायर जजमेंट। जो प्रोफेशनल जजमेंट जो प्रोफेशनल्स बोलते हैं, जैसे प्रोफेशनल जो जजमेंट देते हैं, वो अक्सर अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं बाद में। उनको लगता है कि मैंने जो डिसीजन दिया था वो शायद गलत था, सही नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत सारे फैक्टर्स थे जो उस डिसीजन को अफेक्ट कर रहे थे, तो अपनी ही बात को वो कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, अपनी ही बात से वो पलट जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट देयर ओन प्रायर जजमेंट विच गिव देम सेम डेटा ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। फॉर इंस्टेंस व्हेन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वर आस्क्ड ऑन टू सेपरेट डेज टू एस्टिमेट द कंप्लीशन टाइम फॉर ए गिवन टास्क, द आवर्स दे प्रोजेक्टेड डिफर्ड बाय 71%। मतलब दो सॉफ्टवेयर डेवलपर से बोला गया कि इस प्रोजेक्ट को खत्म करने में आप कितना टाइम लोगे, इस प्रोजेक्ट को खत्म करने में आप कितना टाइम लोगे, तो दोनों का जो फाइनल आंसर था उसमें काफ़ी डिफरेंस था। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो कुल मिला के इसमें जजमेंट की वेरिएबिलिटी की इसमें बात हो रही है। व्हेन पैथोलॉजिस्ट मेड टू असेसमेंट ऑफ द सीबीएटी ऑफ बायोप्सी रिजल्ट द कोरिलेशन बिटवीन द रेटिंग्स वॉज ओनली 0.61 आउट ऑफ परफेक्ट 1, इंक्लूडिंग दैट दे मेड इनकंसिस्टेंट डायग्नोसिस क्वाइट फ्रिक्वेंटली। इसमें देखिए समरी क्या है इसकी, इसकी समरी ये है कि कोई भी प्रोफेशनल हो उनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो एक कंसिस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन अलग अलग सिचुएशन एक ही सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि उनके रिजल्ट जो आते हैं वो अलग अलग आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे सपोज आप बीमार हैं या आपको मलेरिया है, आप अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तो अलग अलग एजेंसीज पर या उसको क्या बोलते हैं लैब्स पर, अलग अलग लैब्स पर आप जाते हैं, तो अलग अलग लैब्स पर एक लैब से रिजल्ट निकल के आ रहा है कि आपको मलेरिया नहीं है, एक से निकल के आ रहा है आपको मलेरिया है, एक से निकल के आ रहा है आपको और कुछ है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए, यही इसमें बोला जा रहा है। ठीक है,
sentencing criminal, evaluating job performance, auditing financial statements, and more. The unavoidable conclusion is that professionals often make decisions that deviate significantly from those of their peers. ठीक है, इसमें भी वही बोला जा रहा है कि जो प्रोफेशनल्स जो डिसीजंस लेते हैं वो अक्सर उनके पीयर्स यानी उनके फ्रेंड्स जो डिसीजन लेते हैं उसी सिचुएशन में उनके डिसीजन से वो पूरी तरीके से अलग होते हैं फ्रॉम देयर ओन प्रायर डिसीजन एंड फ्रॉम रूल्स दैट दे देमसेल्फ क्लेम टू फॉलो. ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं क्या दिया है इसमें. फोर में देखते हैं क्या है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन फॉलो पैराग्राफ फोर टू फॉर्म अ कनेक्शन विथ पैराग्राफ फाइव. इसके लिए पैराग्राफ फाइव भी हमको पढ़ना पड़ेगा. और देखिए पैराग्राफ फोर देखते हैं क्या दिया है इसमें. देखिए यहां पर एक कीवर्ड आ रहा है, द अनअवॉइडेबल कंक्लूजन इज. केवल कंक्लूजन पार्ट को देखिए कि कंक्लूजन क्या है. दैट प्रोफेशनल्स ऑफन मेक डिसीजंस दैट डिविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज ऑफ अदर पीयर्स. मतलब उनके डिसीजंस में एक कंसिस्टेंसी नहीं है, एक नॉइज है. यहां पर ऑथर ने इस इनकंसिस्टेंसी को नॉइज बोला है. ठीक है, तो इसके बाद नॉइज से रिलेटेड एक सेंटेंस आ सकता है जो जो पैराग्राफ फोर्थ को पैराग्राफ फाइव से कनेक्ट कर सकता है. पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए, इसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें नॉइज की बात किसमें की गई है. सेंटेंस नंबर फोर को देखिए आप. सेंटेंस नंबर फोर में क्या बोला गया, कन्फ्रंटिंग नॉइज इज हार्ड. और पैराग्राफ फोर में क्या बोला गया है कि प्रोफेशनल्स जो हैं उनके डिसीजंस में कंसिस्टेंसी नहीं होती, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग में एक नॉइज क्रिएट हो जाता है. और वहां पर एक कीवर्ड आया है ऑफन, अक्सर ऐसा होता रहता है, अक्सर ऐसा होता रहता है. इसका मतलब ये है कि नॉइज को कन्फ्रंट करना हार्ड है. तो ये एक कनेक्टिंग फ्रेज है जो पैराग्राफ फोर को पैराग्राफ फाइव को ऐड करेगा, कनेक्ट करेगा. ठीक है, अब हम पैराग्राफ फाइव पढ़ते हैं. पैराग्राफ फाइव में क्या बोला गया है कि नॉइज इज ऑफन इंसीडियस. नॉइज, इंसीडियस का मतलब है जो धीमे धीमे फैलता है लेकिन बहुत हार्मफुल होता है, जैसे जहर होता है, जैसे कैंसर होता है, ये इंसीडियस होते हैं. Noise is often insidious. It causes even successful companies to lose substantial amount of money without realizing it. ये companies को काफ़ी महंगा पड़ता है. ठीक है, How substantial? कितना महंगा पड़ता है. To get a estimate, we asked executive in one of the organizations we studied the following. Suppose the optimal assessment of a case is $1 lakh. What would be the cost to the organization if the professional in charge of the case असिस्ट अ वैल्यू ऑफ 1,15,000. देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसका ये चीज़ बहुत महंगी पड़ती है. ठीक है, जैसे जैसे कंपनी को कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है, तो एक एक ऑफिसर ने कोट किया $1 lakh, एक दूसरे ऑफिसर ने कोट किया 1.15 डॉलर्स. ठीक है, 1,15,000. तो इसमें तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा, इससे तो कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ असेसिंग इट एज $85,000. यहाँ पर 15,000 कम कर दिए, एक जगह 15,000 बढ़ा दिए. ठीक है, तो इसमें तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा इससे कंपनी का. द कॉस्ट एस्टिमेट्स वर हाई, एग्रीगेटिंग ओवर द असेसमेंट मेड एवरी ईयर द कॉस्ट ऑफ नॉइज वॉज मेजर्ड इन बिलियंस. देखिए इसका क्या मतलब है कि एक ही कंपनी के जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं, वो अलग अलग कोटेशंस दे रहे हैं या अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं, तो इससे कंपनी को जो नुकसान हो रहा है वो बिलियंस में हो रहा है, वो अरबों में हो रहा है, वो थोड़ा बहुत नुकसान नहीं है. एन एक्सेप्टेबल नंबर इवन फॉर ए लार्ज ग्लोबल फर्म, द वैल्यू ऑफ रिड्यूसिंग नॉइज इवन बाय ए फ्यू परसेंटेज पॉइंट वुड बी इन द टेंस ऑफ मिलियंस. मतलब एक एस्टिमेट ये कहता है कि ये जो नॉइज़ है, ये डिसीजंस में जो इनकंसिस्टेंसी है, इसको यदि कुछ परसेंट पॉइंट से भी हम कम करें तो इसकी जो कॉस्ट आएगी वो भी मिलियंस में आएगी. रिमार्केबली द ऑर्गेनाइजेशन हैड कम्प्लीटली इग्नोर्ड, होना चाहिए ये इग्नोर्ड द क्वेश्चन ऑफ कंसिस्टेंसी अंटिल देन. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव को देखते हैं. व्हाट इज द ऑथर्स व्यू पॉइंट इन अकॉर्डिंग विद पैराग्राफ फाइव.
इसको पढ़ते हैं हम. द ऑथर इज स्केप्टिकल अबाउट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रिसर्च वर्क्स. नहीं, ये इसमें नहीं बोला गया है. द ऑथर इज क्रिटिकल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज एज इट लीड टू ऑर्गेनाइजेशन टू लूज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी दैट ऑफन गो. ये बिल्कुल सही है. जो नॉइज की जो कॉस्ट पड़ती है कंपनीज को, उसके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, एक सब्सटेंशियल अमाउंट होता है वो. द ऑथर फील्स दैट द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज इज सीवियर इनफ टू रिक्वायर एक्शन. मतलब नॉइज को नहीं हटाया जा सकता, नॉइज की जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उसमें उसकी जो सीवियरिटी है, उसकी जो डेंजरसनेस है, वो काफ़ी हाई है. द ऑथर फील्स दैट प्रॉब्लम ऑफ नॉइज इज सीवियर, मतलब काफ़ी ये कठिन काम है, मुश्किल काम है, टू रिक्वायर एक्शन, कि इसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता. तो ये सही है, ये गलत है. आप इसको एक बार और देख लेना वीडियो को. स्केप्टिकल की बात नहीं की गई है इसमें. इसमें तो ये बात की गई है कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और इसमें इतनी मुश्किल होती है कि उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता. तो सेकंड और थर्ड इसमें सही हैं. ठीक है, इसमें आंसर होगा आपका थर्ड. आई होप कि जैसे मैंने समझाने की आपको कोशिश की, आपको थोड़ा बहुत तो कम से कम आइडिया लगा होगा. और इस तरह के क्वेश्चंस का जो डर रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन किया जा सकता है. रेगुलरली आप पढ़ते हैं, रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है. तो इसमें मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए हैं. आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा. और डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे SBI PO मेंस में, IBPS PO मेंस में, RBI में, NAVARD में. इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. आपका कोई भी सुझाव है, आपकी कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.